फ्री वैक्सीनेशन की मांग को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चलाने का फैसला किया और इसी के तहत जयपुर में भी कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने जाकर जिला कलेक्टर को केंद्र सरकार के नाम ज्ञापन दिया है ताकि सभी लोगों को फ्री वैक्सीन लग सके देश में, जो कि उनका अधिकार भी है। जयपुर ग्रामीण के जनप्रतिनिधि हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। भाई साहब, आज आप लोगों की तरफ से ये जो ज्ञापन दिया गया है, इसका सब विषय क्या था और क्या चाहते हैं आप लोग? इसका विषय यही है कि देश की जनता में जो वैक्सीनेशन हो रहा है वो फ्री वैक्सीनेशन हो, और केंद्र सरकार को ज्ञापन दिया गया है आज कलेक्टर में, कलेक्टर को कि राष्ट्रपति जी के नाम, इसलिए केंद्र सरकार को पूरे देश में फ्री वैक्सीनेशन किया जाए। आज तक जो भी टीकाकरण हुआ है वो सब फ्री वैक्सीनेशन फ्री हुआ है और केंद्र सरकार उसको फ्री किया है। ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि वैक्सीनेशन के लिए राज्यों को करवाने के लिए केंद्र सरकार बोल रही है। अशोक जी ने तो 3,000 करोड़ रुपए दे ही दिए 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को, तो क्या आपत्ति है? उससे चलाने कहाँ से? लेकिन दूसरी जो विदेशी कंपनियाँ हैं वो दे नहीं रही ना, वो कह रही है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे को तो कहे, तब जाकर के हम दें। स्टेट के तो पंजाब के सीएम साहब भी, उन्होंने भी मांगी है, दिल्ली वालों ने मांगी है, लेकिन विदेश से जो विदेशी कंपनियां वो दे नहीं रही, और हमारी जो सेंट्रल की गवर्नमेंट है वो इन राज्यों के ऊपर डाल दी कि आप खरीदो लगाओ। तो दोहरा चरित्र है सरकार का, तीन नीति से वैक्सीनेशन पर कर रखी है। एक देखिए आप, प्राइवेट जो अस्पताल है इनको जो वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है और स्टेट गवर्नमेंट है सुबह बैठे, तो इसलिए इस संबंध में राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया। लेकिन सर एक चीज़ और बताइए, इसी वैक्सीन को लेकर कैबिनेट की मीटिंग में आपके दो मंत्री भी आपस में भिड़ गए कि केंद्र सरकार को सीधे मोदी जी के नाम ही देना चाहिए, क्यों कलेक्टर ऑफिस आए? राष्ट्रपति को देने के लिए जो भी तय किया सरकार ने वो कलेक्टर के थ्रू राष्ट्रपति को जाएगी, और इसमें कोई ऐसा विवाद है नहीं, कोई आपस में कोई बात हुई होगी वो बैठ के मुख्यमंत्री जी के सामने। कितनी जगह एक मकसद से आप लोग काम कर रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ऐसा कोई गलत संदेश क्या है? घर में कोई होता है तो बातचीत तो होती है ना, बातचीत होगी, डिस्कस होगा, डिस्कस किया है मंत्रियों ने, ऐसा कोई लड़ाई थोड़ी लड़ी है। वैक्सीनेशन फ्री के लिए जो मीटिंग रखी है उसमें ऐसा कुछ हुआ नहीं, और होगा तो हम बैठ के उसको, हमारी घर का मामला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोविड प्रोटोकॉल से कांग्रेस के सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, यहाँ देखिए पुलिस का बंदोबस्त भी है, जिला कलेक्टर का ऑफिस है जहाँ पर ये सभी लोग ज्ञापन देने आए। लेकिन खास बात है कि जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस प्रतिनिधि अलग अलग रूप से यहाँ पर जिला कलेक्टर से मिले, अलग अलग उन्होंने ज्ञापन दिया। चाहते तो एक साथ ज्ञापन दिया जा सकता था, लेकिन जिले दोनों अलग हैं और तय किया गया था कि हर जिले स्तर पर यह ज्ञापन जिला कलेक्टर के नाम, केंद्र सरकार के नाम जिला कलेक्टर को दिया जाएगा। MLA साहब हैं इंद्रराज जी गुजर, जो कि जयपुर ग्रामीण से प्रतिनिधित्व करते हैं। मैं एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूं कि MLA साहब अपनी ओर से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इनके इलाके में वैक्सीनेशन भी शायद ग्रामीण इलाकों में नहीं हो रहा है, ये इनका शुरू से ही आरोप है। अब ये अपने कार्यकर्ताओं के साथ यहाँ पर ज्ञापन देने आए, तो कुल मिलाकर जिस वैक्सीनेशन को लेकर, जिस ज्ञापन देने को लेकर यहाँ पर तमाम विवाद भी उठे थे कैबिनेट में, MLA साहब आपके इलाके में वैक्सीनेशन की हालत क्या, और आप फ्री वैक्सीनेशन की मांग कर रहे हैं जबकि अशोक गहलोत सरकार 3,000 करोड़ रुपये पहले दे चुकी है? देखिए, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार आज हम सब लोगों ने माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है कि हमारे प्रदेश में फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा केंद्र सरकार करे, और जब आज से पहले जब भी महामारी फैली है हमेशा केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीनेशन की है, तो इस बार राज्यों के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? इसलिए हम लोगों ने मांग की है कि फ्री वैक्सीनेशन दी जाए। लेकिन इसी वैक्सीनेशन के लेकर आपकी पार्टी में एकजुटता नहीं है, कैबिनेट की मीटिंग में बहसबाजी हुई थी इसे लेकर, और आज भी जयपुर शहर और ग्रामीण के अलग अलग लोग अलग अलग दे रहे हैं। नहीं, शहर ग्रामीण के हमने ज्ञापन अलग अलग सिर्फ कोविड की पालना के लिए दिया है कि वहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, इसलिए शहर और ग्रामीण वालों ने अलग अलग दिया है। आपके इलाके में वैक्सीन है, प्रॉपर पहुँच पा रही है, लोगों को लग पा रही है? नहीं, अभी राजस्थान में तो वैक्सीन नहीं है इस वक्त, अभी वैक्सीनेशन की कमी है, अभी है इस वक्त वैक्सीनेशन की कमी, और यही चाहते हैं कि केंद्र सरकार इस पूरी जिम्मेदारी को अपने सर पे उठाए और कांग्रेस के प्रतिनिधि ज्ञापन दिए। जयपुर ग्रामीण से बात कराया था, आप जयपुर शहर के यहाँ पर देखिए विधायक हैं अमीन कागजी, इसके अलावा गंगा देवी जो यहाँ से विधानसभा के और चुनाव लड़ चुके हैं, लोकसभा के चुनाव लड़ चुके हैं, वे कांग्रेस के नेता भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो रफीक खान से तमाम कांग्रेस के नेता इनके हाथों में
ज्ञापन की वो कॉपी है जो कि इन्होंने जिला कलेक्टर को यहाँ पर दी थी। तो ज्ञापन देने का सिलसिला यहाँ पर जारी है। कांग्रेस के ये सभी नेता हैं, कलेक्टर से मिले, कलेक्टर ने इनसे ज्ञापन भी लिया और अब ज्ञापन। मैं एक सवाल पूछूंगा खाली, आज किस सब्जेक्ट को लेकर ज्ञापन दिया गया था? क्या आपको लगता है केंद्र सरकार अभी भी सही तरीके से राजस्थान को वैक्सीन नहीं दे पा रही है? अरे भैया, बात राजस्थान की तो है ही, पूरे हिंदुस्तान की है। आप ये देखो, जिस तबके ने मोदी जी को 2014 में और 18-19 में वोट दिया, आज उनके लिए वैक्सीनेशन नहीं है, वैक्सीन नहीं है। हिंदुस्तान की मात्र 3.25% जनता को वैक्सीनेशन हुआ है और इसी तरीके से चलता रहा तो कितने साल लगेंगे? कोरोना को बचाव सिर्फ वैक्सीन से हो सकता है, इनके ये बात समझ में नहीं आ रही है। इनको कैसे समझाएं ये पता नहीं चल रहा है। समझने के सारे बिंदु इन्होंने बंद कर लिए, कान नाक आँख सब बंद है इनके। लोग मर रहे हैं, इनको परवाह नहीं है। वैक्सीनेशन की अलग अलग प्राइसेस, एक प्राइस पूरे हिंदुस्तान में हो और वो भी सरकार, जब 35,000 करोड़ रिजर्व किया है इन्होंने बजट में, उसको यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्यों पे भार क्यों डाला? ये तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने 18 प्लस की वैक्सीन राजस्थान में फ्री करी, फिर भी वैक्सीन का कंट्रोल सारा उनके हाथ में, पैसा देने के बाद में वैक्सीन नहीं मिल रहा है, ऐसे कैसे होगा? तो आज पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी द्वारा जिला कलेक्टर को, राष्ट्रपति को हम ज्ञापन देने के लिए आए, ज्ञापन देने आए थे और ज्ञापन दे भी दिया जयपुर शहर और ग्रामीण के अलग अलग नेताओं द्वारा अलग अलग रूप से। अब देखना यही है केंद्र सरकार पर कांग्रेस के इस अभियान का कितना असर होता है, क्योंकि फ्री वैक्सीनेशन की मांग कई राज्य कर चुके हैं और सभी राज्य ये चाहते हैं कि जनता को कम से कम कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार उठाए। बहरहाल कांग्रेस का अभियान जारी है और कांग्रेस की ओर से साफ कर दिया गया कि केवल ज्ञापन देने तक ये सीमित नहीं रहेगा, इस अभियान को और भी सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों से बातचीत करके आगे बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।